हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों लेके चलते हैं एक यूके के विलेज, सबसे ओल्डेस्ट विलेज माना जाता है, उसका नाम है कॉट्सवॉल्ड। सब बैठ गए हैं गाड़ी में और हम चलते हैं टू कॉट्सवॉल्ड। लेट्स गो। जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो और शाहरुख खान के गाने ना चल रहे हो तो ट्रिप का मजा ही नहीं आता। जैसे कि सबको पता है कि विंटर्स में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि हम जितना डे में हो सकता है वहाँ पहुँच जाएँ ताकि घूम सकें। कॉट्सवॉल्ड की ड्राइव बहुत प्यारी है। आपको ऑक्सफोर्ड का टाउन क्रॉस करना पड़ता है और हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। रास्ते में एक स्टॉप लिया था, एक बहुत अच्छी लोकेशन आई तस्वीरों के लिए, लेकिन आज फॉग इतनी है कि आगे व्यू दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आई ट्राई कि आप लोग को दिखे, हम लोग जगह रुके हुए हैं, बहुत ही प्यारी जगह है, पीछे देखिए ज़रा। और यहाँ से आप आगे जाएंगे कॉट्सवॉल्ड्स, जो अभी यहाँ से 10 से 15 मिनट की ड्राइव पर है। बहुत तेज़ हवाएं हैं और बहुत ठंड हो रही है। एक गाड़ी की वीडियो भी बनती है जो हमें इतना दूर लेके आई है। एक तो ड्राइव प्यारी, ऊपर से मौसम प्यारा, ऊपर से गाना बहुत प्यारा। कॉम्बिनेशन चेक करें आप। गाड़ी पार्क की है हमने एक जगह और वी विल सी कि हम लोग को जाना किधर है। रास्ते में आया है कब्रिस्तान, देख के समझ नहीं आया कि डरा जाए या इसकी खूबसूरती देख के खुश हुआ जाए। तो हम लोगों ने बहुत ढूंढा वो जगह, लेकिन हम लोग को मिली नहीं है। तो हम लोग अब वॉक करके देख रहे हैं हमें मिल जाए। सो वी विल सी कि वो जगह कहाँ पर है। हम एक और स्पॉट पे जा रहे हैं। फाइनली हम लोग को वो स्पॉट मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी। और बहुत ढूंढने के बाद बहुत नहीं, हम लोग एग्जैक्टली वहाँ पे थे, लेकिन हम लोग एक गली पीछे थे तो वो दिख नहीं रहा था। लेकिन हम लोग को वो फाइनली वो विलेज, जो ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन इन इंग्लैंड, वो हमें मिल गया है। आप लोग को दिखाते हैं। वैसे तो कॉट्सवॉल्ड में बहुत सारे विलेजेस हैं, उनमें से एक है बाइबरी, जो भी आप देख रहे हैं। कहते हैं ब्रॉन्ज और आयरन एज से लोग यहाँ रह रहे हैं। बहुत ठंड हो रही है। ओलाया हंस रही है। जी जाना है हम लोग को। ये देखिए मम्मा और अम्मी, इन लोगों को सब पता है रास्ता कहाँ पर है, ऐसे भागे हैं तेज जैसे कि सब पता है कि कहाँ है। ये है जोमा यहाँ की लोकल, सब पता है कहाँ जाना है। अब फॉलो करो मुझे, जो मैं कह रही हूँ फॉलो, तो वो तो मैं करता ही हूँ फॉलो। यहाँ बोल, ओए होए डीडीएलजे पोज। ये है डीडीएलजे वाला ब्रिज उसी तरह का, और रिवर बह रहा है और ब्रिज बहुत प्यारा सा जो आप लोगों को लेके जाता है उस टाउन की तरफ, उस विलेज की तरफ। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? अम्मी नहीं, अम्मी नहीं। ओ वाह यार, नाइस यार, देख के घर बने हुए हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऐसा लगता है बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये, क्योंकि कहते हैं ये इंग्लैंड का सबसे ओल्डेस्ट विलेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। इस रोड का नाम है आर्लिंगटन रोड, जो बाइब्री की सबसे पॉपुलर वॉक है। एक इंग्लैंड का पोएट था विलियम मॉरिस, उसने कहा था कि बाइबरी इज इंग्लैंड्स मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज। वाटरफॉल वाटरफॉल, यस, इट्स अ रिवर।
It's a river. It's a beautiful river. ये देखो, look at the river. Look, यार कितना प्यारा river है ना? Are you scared तो नहीं है ना? Are you scared or no? You are fine. Okay. This is River Con, जो river theme से जाके merge होता है. और अम्मी अलाया को लेकर गाड़ी में बैठी क्योंकि अलाया बहुत रो रही है. दूर हम लोग की गाड़ी वहाँ पार्क्ड है और तब तक अम्मी गाड़ी वार्म भी रखेंगे ताकि वहाँ आएँ तो आराम से. बहुत ठंड हो रही है. मैं जाके चेक कर रहा हूँ कितना स्टीप है ताकि मैं उन लोगों को गाइड करूँ कि आप लोग आ जाए या नहीं आए. विल सी. वो देखिए भाई वो तीन लोग चलते हुए आ रहे हैं. उनकी हालत देखिए. ऐसा लग रहा है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किए इन लोगों ने. ये देखिए भाई कैसा लग रहा है. फिर कुछ बताएगी कि लग कैसा रहा है. ये है कोई घर देखो. हाँ, जो अमीर लोगों का वो घर है वो भी किसी का बहुत प्यारा एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है. उसका पूरा प्रॉपर डोर है. और ये यहाँ पर है एक घर जहाँ पे कोई रहता तो नहीं है. बहुत हॉन्टेड सा लग रहा है. आई थिंक हॉरर मूवीज के लिए यहाँ पे ये जगह बन सकती है. ये घर बन सकता है हॉरर. अब हम जा रहे हैं वापस गाड़ी में. बहुत मज़ा आया. बहुत ही प्यारी जगह है. ये देखिए भाई कितना प्यारा लग रहा है. ये है मेन जगह जो पिक्चर्स में आती है कॉस्टफोर्ड. अगर आप सर्च करेंगे तो ये वो जगह आती है यहाँ पे. दुनिया का पहला हॉर्स रेसिंग क्लब द बाइबरी क्लब भी यहीं बना था. करें और इंशाल्लाह आगे हम लोग को आपको किसी एक जगह और घुमाएंगे. बाय. लाइक करें, सब्सक्राइब करें. मैं आज वीडियो में नहीं आई क्योंकि मैं बच्चों से मार देती जो अच्छी जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प है. तो हम बहुत ही प्यारी वॉक करके आए हैं और ठंड का आलम ऐसा है कि बता नहीं सकता मैं. क्यों रखा तो टिश्यू पे रखो ना. सही है, यहाँ रखा हुआ है. और अब हम खा रहे हैं होम मेड सैंडविचेस. और मेरा कल का एक विंग बचा है, वो विंग भी मैं खाऊंगा और मामा के साथ शेयर करूंगा. बिल्कुल शर्मा, आप पूरा ले लो. मैं ये पूरा क्या, ये क्या बोल रहे हो. दो है बाय द वे. बड़े मजे के बने हैं सैंडविचेस. और ये देखिए भाई सब बैठे हुए हैं. वो अब इसके बाद बाय द वे हमारे पास चाय का भी इंतजाम है. तो चाय भी पियेंगे. पूरे आते हैं पूरे इंतजाम के साथ है. ठीक है ना. ये और ये है जे जो खाने का वेट कर रही हूँ. तुमने खा लिया ना. एक सैंडविच खाया मैंने बगैर केचप के. फिर मैंने मांगा केचप. और अच्छा जीजे को जीजे को केचप भी चाहिए. अभी देखा जो केचप भी चाहिए. मुझे पूरे चाहिए. और वो मिल ही गया. काश मैं कोई 10-15 crore मांगती तो वो भी मिल जाते. लेकिन दुआ मेरी केचप भी पूरी हो गई. नेक्स्ट हम लोग को किसी सर्विस में रुकेंगे और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे. कुछ वॉशरूम और पारे होंगे. देन वी विल गो बैक होम. आप लोग का सही वो हो गया. आप लोग का सही इंतजाम हुआ आगे. ये देखिए दोनों बैठ के आगे बनी क्या खा पी रही है. छुप छुप के चुपचाप अब चाय पी रहे हैं. चलो भाई क्या बात है. सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. देखते रहिए एमएल व्लॉग्स और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. अल्लाह हाफ़िज़.